हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केसरा राजस्थान को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद केसरा राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केसर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए खुशखबरी है ये कि जो आरपीएससी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, उन्होंने कल इनकी शपथ ग्रहण कर ली है अध्यक्ष पद के लिए। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो भर्तियों को होगी, जल्दी से जल्दी भर्ती कम्प्लीट करवाना होगा। और इसी के साथ ही सबसे पहले ये आरएस का जो एडवर्टाइजमेंट है 2017 का उसको जारी करेंगे। एंड जो वो वैकेंसी है 140,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो उन सभी का भी ये जल्दी से जल्दी उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्होंने फर्स्ट प्राथमिकता दी थी अपनी। एंड जो दोस्तों जो ये प्रस्तावित भर्ती है उनमें सबसे पहले है हमारी एलडीसी। एलडीसी की 10,200 पोस्ट है, तो उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। एंड उसके साथ में आपको आरएसएटी या कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। एंड फ्रेंड, जो सेकेंड वैकेंसी आती है कृषि पर्यवेक्षक की, उसके लिए 550 पोस्ट है, तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर में 12th पास होना चाहिए। एंड उसके बाद आती है महिला सुपरवाइज़र, तो इसके लिए सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती है और इसकी जो पोस्ट है 550 पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए। एंड सूचना सहायक है, उसकी 4th वैकेंसी है सूचना सहायक की, जिसकी पोस्ट है 13,022 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सूचना सहायक की बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीजीडीसी एक कोर्स होता है वो होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर के अंदर या आईटी के अंदर आपके पास 6 महीने का कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, तो सेकेंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी है जो वो 35,000 के तकरीबन रहेगी, तो सेकेंड ग्रेड की 35,000 भर्ती होगी, उसके लिए आपको बीएड होना चाहिए। और उसके बाद आती है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती एक और है, तो नहीं फर्स्ट ग्रेड की है वो, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए 11,000 वैकेंसी निकलेगी। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ग्रेड की 11,000 वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए आपको एमए बीएड होना चाहिए। एंड जो पीटीआई शिक्षक है उसकी 5,000 पोस्ट होगी, तो पीटीआई के लिए आपको पीटीआई के अंदर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा आना चाहिए। एंड कर सहायक के लिए आपको बीकॉम होनी चाहिए, उसकी 169 पोस्ट है। एंड विद्युत विभाग के अंदर 22,000 पोस्ट निकलेगी, तो विद्युत विभाग के अंदर आपको टेक्नीशियन एंड एलडीसी और जूनियर अकाउंटेड की सब पोस्ट इसके अंदर सम्मिलित रहेगी, उसके अंदर 22,000 पोस्ट आएगी। एंड उसके हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों। एंड जो पंचायत सहायक है उसकी 23,500 पोस्ट होगी, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। एंड इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। और उसके बाद आती है संगणक की 723 पोस्ट होगी, तो इसके लिए आपको संगणक के लिए आपको इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 12th पास एंड ग्रेजुएशन करनी होगी। एंड उसके बाद आती है प्रोग्रामर के लिए आपको वही पीजीडीसी का कोर्स एंड 1 साल का डिप्लोमा, एंड जो आप सीएस एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। एंड जो कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक कर रखे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आती है कंप्यूटर शिक्षक की पोस्ट, तो उसकी कंप्यूटर शिक्षक के लिए 23,190 पोस्ट आएगी, तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर के अंदर 1 साल का डिप्लोमा आना चाहिए या फिर आपको कंप्यूटर के अंदर ग्रेजुएशन करनी होगी। एंड आरएस के लिए 700 पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। एंड मेडिकल विभाग के अंदर आएगी 22,032 पोस्ट, तो उसके अंदर भी अलग अलग जैसे नर्स, डॉक्टर, एलडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, सबके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग से विज्ञापन जारी होगा, जिसको भी आरपीएससी और आयोग एवं अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से करवाई जाएगी। एंड उसके बाद आती है संस्कृत शिक्षक 3rd ग्रेड, इसके लिए आपको संस्कृत में बीएड होना चाहिए एंड बीएसटीसी भी इसके लिए अप्लाई होनी चाहिए, शायद ये रीट के द्वारा भी हो सकती है। एंड संस्कृत सेकंड ग्रेड के लिए भी 735 पोस्ट है, तो उसके अंदर आपको संस्कृत के अंदर बीएड करनी होगी। एंड उसके बाद आती है प्रयोगशाला सहायक के लिए 400 वैकेंसी है, उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर। एंड उसके बाद आती है पशुधन सहायक के लिए आपको 12th पास होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी 478 पोस्ट है। और उसके बाद आती है कॉलेज प्राध्यापक, उसके लिए आपको नेट स्लेट क्लियर होना चाहिए और उसकी पोस्ट है 2,300 के करीबन पोस्ट रहेगी। एंड पीएचडी यानी जल संसाधन विभाग के अंदर निकलेगी 5,799 पोस्ट है, उसके लिए आपको JNN की पोस्ट रहेगी, उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग एंड जो
अदर वैकेंसी निकलेगी इसके अंदर LDC टेक्नीशियन, उसके लिए आपको ITI होनी चाहिए। एंड उसके बाद आती है कॉलेज लाइब्रेरियन की 129 पोस्ट, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरियन का कोर्स किया होना चाहिए। और उसके बाद आती है देवस्थान विभाग के अंदर 632 पोस्ट, तो उसके अंदर आपको अलग अलग पोस्ट पर निकलेगी, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग पोस्ट होगी। एंड उसके बाद आएगी मत्स्य विश्वविद्यालय, जो मत्स्य विश्वविद्यालय उसके अंदर 631 पोस्ट होगी, इसके अंदर भी LDC एंड जो उच्च पद के लिए ग्रेजुएशन और उससे अधिक पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सभी वैकेंसियों की डिटेल थी। और जो IU का है, तो अभी जो गवर्नमेंट ने जो चुनाव को देखते हुए 5 साल ज़्यादा कर दी है, SC ST के लिए वही रहेगी एज, एंड जो जनरल वालों के लिए जो ओवरेज हो गए थे उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी। एंड जो RPSC के सामने सबसे मेन समस्या है वो है कि इनको जो ये आरक्षण का प्रॉब्लम है उसको सोल्व करनी होगी। OBC और SBSC में जो पेच वो मुश्किलें डाल सकते हैं। एंड और जो और ये गर्ग है जो इनके पास बहुत तो टाइम कम है, ये 2 मई 2018 तक ही कार्यभार इनके पास रहेगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, और इस बार आपके पास मौका है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड फ्रेंड्स, इन वैकेंसियों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह की न्यूज़ आगे भी देते रहे। और आपको हम बताएंगे कि जब ये वैकेंसी जैसे ही आएगी, किस तरह से इसका फॉर्म ऑनलाइन भरना है और क्या प्रोसेस रहेगी, कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपका कमेंट होगा, हम इसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच।